दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक फर्स्ट क्लास के बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि भैया, अक्सर मैं यह सोचा करता हूँ कि नंबर्स कितने सारे होते हैं। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे केवल 10 तक काउंटिंग सिखाई गई थी, उसके बाद फिर मुझे 100 तक काउंटिंग सिखाई गई और अब मैं 1000 तक काउंटिंग करना सीख गया हूँ। लेकिन यह नंबर्स अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आखिर यह नंबर कब ख़त्म होंगे? इनका एंड कहाँ पर है? तो उसकी यह बात सुनकर मैं काफ़ी हैरानी में पड़ गया, क्योंकि बचपन में मुझको भी यह सवाल आया करता था। तो फिर मैंने उसको बताया कि यह नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यह चलते ही जाएंगे। मैंने उसको कहा कि इन नंबर्स को कोई भी काउंट नहीं कर सकता, यह चलते ही रहेंगे क्योंकि यह इनफाइनाइट होते हैं, यह इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि भैया, यह इन्फिनिटी क्या होती है? इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, मुझे इसको देखना है, यह कैसी दिखती है, इसके बारे में मुझे जानना है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि आज तक मैंने भी इसको नहीं देखा। मेरी इस बात को सुनकर वो काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि क्या कभी तुमने आसमान में स्टार्स को काउंट किया है? तो उसने कहा, हाँ, मैंने स्टार्स को काउंट करने के लिए कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार मैं उनकी गिनती भूल जाया करता हूँ और आज तक मैं पूरे स्टार्स को काउंट नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कि तुम उनको इसलिए काउंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आसमान में इनफाइनाइट स्टार्स होते हैं। उसने मुझे काफ़ी हैरानी से देखा। फिर मैंने उससे कहा कि इस दुनिया में जितने भी रेत के कण हैं, उससे भी ज़्यादा अंतरिक्ष में तारे होते हैं। फिर अगले ही पल उसने मुझसे पूछा कि क्या रेत के कण भी इनफाइनाइट है? तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम उनको गिन नहीं सकते। फिर उसने कहा कि क्या मेरे सिर पर बाल भी इनफाइनाइट हैं, क्योंकि मैं उनको भी नहीं गिन पाता हूँ। उसके इन सवालों से मैं काफ़ी हैरानी में आ रहा था, क्योंकि उसके मन में इन्फिनिटी को जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या एक ही तरीके की इन्फिनिटी होती है या फिर कई सारी इन्फिनिटीज़ होती हैं? पर उसको इन नई नई चीज़ों के बारे में जानकर मज़ा काफ़ी आ रहा था। इसी तरह बचपन में हम सबके मन में ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल आते थे। पर चलिए, आप बताइए कि आखिर क्या है इन्फिनिटी? वॉट इज इन्फिनिटी? क्या कभी ना खत्म होने वाले नंबर को आप इन्फिनिटी कहोगे, या फिर अंतरिक्ष में अनगिनत तारों को आप इन्फिनिटी कहोगे, या इस दुनिया में मौजूद रेत के जर्रों को इन्फिनिटी कहोगे, या फिर खाली पेपर पर इन्फिनिटी का सिंबल बनाने को आप इन्फिनिटी कहोगे? क्या हमारे लिए इन्फिनिटी को समझना इतना आसान है, या फिर इन्फिनिटी हमारी सोच से भी परे है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि दो चीज़ें इन्फाइनाइट हैं, एक हमारा ब्रह्मांड और दूसरा इंसान की मूर्खता, और मैं इस ब्रह्मांड के बारे में पक्की तरह से नहीं कह सकता। तो चलिए, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होती है इन्फिनिटी। तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने इन्फिनिटी को अपनी मैथ्स की किताबों में देखा होगा, और क्योंकि सबकॉन्शियसली हमको यह मालूम होता है कि मैथ्स में केवल नंबरों को पढ़ाया जाता है, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि इन्फिनिटी भी एक नंबर है। लेकिन इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, यह एक कंसेप्ट है, यह एक सोच है, अनंत, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाली सोच। अक्सर हम यह सोचा करते हैं कि इन्फिनिटी हमेशा बड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्फिनिटीज छोटी भी होती हैं। लेकिन इन्फिनिटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, और अगर हम यह मान लें कि इन्फिनिटी रियलिटी में एग्जिस्ट करे तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगी, चारों तरफ तबाही मच जाएगी। वैसे मैथ्स में दो चीज़ों का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पहली चीज़ है जीरो और दूसरी चीज़ है इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ के ना होने को जीरो कहा जाता है, और जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे? वैसे ही इन्फिनिटी, एंडलेस, जो कि कभी खत्म ना हो, जहाँ तक कभी हम पहुँच ना पाएं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वह है इन्फिनिटी। चलिए मान लीजिए, अगर एक बार आप इन्फिनिटी को काउंट कर लेते हो, उसको छू लेते हो, उसको अचीव कर लेते हो, तो वह चीज़ इन्फिनिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपने उसको काउंट कर लिया, उसको अचीव कर लिया। और इन्फिनिटी तो ऐसा कंसेप्ट है जिस तक हम कभी पहुँच ही नहीं सकते। प्राचीन काल से ही इन्फिनिटी के बारे में लोग जानते रहे हैं, जैसे कि जीनो ऑफ इलिया, जो कि एक काफ़ी बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने एक फेमस पैराडॉक्स के चलते यह बताया कि कैसे एक ग्रीक का सबसे ताकतवर योद्धा हरकुलस एक कछुए को रेस में नहीं हरा सकता, और उनका यह पैराडॉक्स आज भी स्कॉलर्स को परेशान करता है। हालांकि उनका यह पैराडॉक्स तभी पॉसिबल है जब इन्फिनिटी रियल दुनिया में एग्जिस्ट करे। वैसे जीनो पैराडॉक्स पर मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स यह बिलीव करते थे कि इस दुनिया में हर एक एस्पेक्ट को
होल नंबर के अरेंजमेंट के संग समझाया जा सकता है। होल नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, पर उनकी यह सोच तब टूटी जब उन्हीं का सबसे फेमस पाइथागोरस थ्योरम सामने आया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वह होल नंबर के सिक्वेंस से अलग होता है। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए आप एक ट्राइंगल लेते हैं जिसका बेस और परपेंडिकुलर 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार उस ट्राइंगल की हाइपोटन्यूज √2 होगी, और √2 एक होल नंबर नहीं है। इसलिए पाइथागोरस की यह सोच कि सारी चीज़ें होल नंबर के सिक्वेंस से बनती हैं वह गलत साबित हुई, क्योंकि आज हम सबको पता है कि √2 पाई की तरह ही एक इरेशनल नंबर है, जिसकी पॉइंट के बाद एंडलेस नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, जैसे कि पाई के केस में होती है। इससे इन्फिनिटी का आइडिया होने लगा था। हालांकि प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों ही कॉमन आइडिया पर बिलीव करते थे, वह एक्चुअल इन्फिनिटी को नहीं मानते थे, इसलिए वह इसको एक्चुअल इन्फिनिटी ना कहकर पोटेंशियल इन्फिनिटी कहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लिमिटेड टाइम में एंडलेसली किसी भी चीज़ को काउंट नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर की प्रॉब्लम के कारण 17वीं शताब्दी में कैलकुलस की डिस्कवरी हुई। इसकी डिस्कवरी न्यूटन और लेविनीज के द्वारा की गई थी। कैलकुलस में हमको इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर की ज़रूरत होती है, जिनको इनफाइनाइट सिमल्स कहा जाता है। यहाँ से यह बात साबित होती है कि इन्फिनिटीज केवल बड़ी ही नहीं होती, वह छोटे स्केल में भी होती हैं, जैसे नंबर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। चलिए अब हम टाइप ऑफ इन्फिनिटीज़ के बारे में जानते हैं कि इन्फिनिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। तो नंबर 1, काउंटेबल इन्फिनिटी। इनको काउंटेबल इन्फिनिटी कहना गलत होगा, क्योंकि हम इन्फिनिटी को कभी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिस्टेबल इन्फिनिटी, यानी कि ऐसी इन्फिनिटी जिसको लिखा जा सके। खैर, हम इन्फिनिटी को कभी लिख तो नहीं सकते, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर चुके हैं। इससे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं। अब इसके ऊपर हैं होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही चलते चलते इन्फिनिटी तक। अब इसके ऊपर हैं इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि −2, −1, 0, 1, 2, 3। अब इसके ऊपर हैं रैशनल नंबर, जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सके, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/1, ऐसे ही। और फाइनली इसके ऊपर हैं रियल नंबर्स, जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर, जिसमें पाई, √2 ऐसे नंबर्स आते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि काउंटेबल या फिर लिस्टेबल इन्फिनिटी क्या होती है। तो ऐसी इन्फिनिटी जिसको लिखा जा सके, जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलते जाइए इन्फिनिटी तक, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल इन्फिनिटी का एग्जाम्पल है, जिसको लिखा जा सकता है, जिसको लिस्ट किया जा सकता है। हालांकि हम इन्फिनिटी को कभी काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर चुके हैं। तो इसी तरह होल नंबर भी काउंटेबल इन्फिनिटी में आते हैं, और ऐसे ही इंटीजर्स भी काउंटेबल इन्फिनिटी में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 2 सेट लेते हैं, पहला सेट है नेचुरल नंबर का और दूसरा सेट है इंटीजर्स का। तो हम पहले सेट को दूसरे सेट से करस्पॉन्ड करते हैं, उसको जोड़ते हैं, इसका सही नाम होगा उनकी मैपिंग करते हैं। तो यह दोनों सेट, पहला सेट नेचुरल नंबर का जो कि इन्फिनिटी तक जाता है, और दूसरा सेट इंटीजर्स का वह भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब आप इनको कंबाइन करते हो, इनको मैप करते हो, तो यह दोनों इन्फिनिटीज़ बराबर ही होंगी, जो कि काउंटेबल इन्फिनिटी होगी। अगर आपने मैथ्स में सेट या फिर ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम एक बार फ्रैक्शंस को भी देख लेते हैं। तो अगर हम फ्रैक्शन के सेट को स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इन्फिनिटी तक जाती है और वर्टिकल लाइन भी इन्फिनिटी तक जाती है। चलिए अब हम पहली लाइन को काउंट करते हैं, तो 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 ऐसे ही हम काउंट करते जाएंगे। और क्योंकि यह पहली लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, तो कभी हम दूसरी लाइन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन के सेट काउंटेबल इन्फिनिटी नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है।
फ्रैक्शन के सेट काउंटेबल इन्फिनिटी की कैटेगरी में आते हैं, और इसके बारे में हमको बताया जॉर्ज कैंटर ने। क्योंकि हम फ्रैक्शन की इन्फिनिटीज को समझ नहीं पा रहे थे, तो उसका आइडिया कैंटर ने हमको दिया। उन्होंने कहा फ्रैक्शन की इन्फिनिटीज को हम डायगनली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में इन एरोस को देख सकते हो। तो अगर हमने इन फ्रैक्शंस को डायगनली लिखना चालू किया तो हम इनको इजीली लिस्ट कर सकते हैं, और तब यह कहलाएगी काउंटेबल इन्फिनिटी। मैं जानता हूँ यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन आप इसको थोड़े ध्यान से सोचिएगा। यानी कि बात सिंपल सी है, अगर आप नंबर्स को लिस्ट कर सको तो वो आती है काउंटेबल इन्फिनिटी की कैटेगरी में, और अगर ऐसा ना हो तो दूसरे टाइप की कैटेगरी है अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। इसके लिए हम रियल नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स मौजूद होंगे, और रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अब इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि रियल नंबर को डेसिमल्स में लिखा जा सकता है, और यह डेसिमल्स हमेशा एक्सपेंड हो सकते हैं, जैसे कि 0.3333, ऐसे ही कंटिन्यूसली। जैसे कि पाई की वैल्यू, हम उसकी कितनी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं और अभी भी करते ही जा रहे हैं। पर सपोज हम ये मान लेते हैं कि रियल नंबर काउंटेबल होते हैं, तो हम उनको लिख सकते हैं, हम उनको लिस्ट में लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर हर एक रो एक नया नंबर है और हर एक कॉलम उस नंबर का एक्सपेंशन है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब हम हर एक रो के डायगनल के एक एलिमेंट को लेते हैं और एक नए नंबर को बनाते हैं। अब इस डायगनल से बने हुए नए नंबर के हर एक एलिमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, जैसे कि 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, 4 की जगह पर 5 लिख सकते हैं, 6 की जगह पर 7 लिख सकते हैं। तो अब ऐसा करने पर हमको जो नंबर मिलेगा वह भी एक रियल नंबर होगा, ऐसी हमारी मैथ्स की नॉलेज कहती है। लेकिन ज़रा रुकिए, यह जो नया नंबर है वह हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं होगा। अगर हम यह मान भी लें कि पहली प्लेस पर यह नंबर मैच हो रहा है, दूसरी प्लेस पर भी मैच हो रहा है, तीसरी प्लेस पर भी मैच हो रहा है, लेकिन एक डिजिट ऐसी ज़रूर होगी जहाँ पर यह नंबर हमारी लिस्ट से मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको खुद ही क्रिएट किया है। आप खुद ही सोचिए कि हमने पूरे रियल नंबर के सेट के हर एक नंबर में मौजूद किसी नंबर को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है, तो कैसे वह नंबर हमारी लिस्ट में मौजूद हो सकता है? तो यह जो नया नंबर है वह हमारी इनिशियल लिस्ट से अलग होगा। लेकिन यह तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, यह हमारी पुरानी कही बात से अलग है, क्योंकि हमने पहले यह अज्यूम किया था कि हमारी लिस्ट में सारे के सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं, यानी कि हमारे इस नए नंबर को भी उस लिस्ट में मौजूद होना चाहिए था, पर वो तो मौजूद नहीं है। जो हमारा स्टार्टिंग का अजम्पशन है वह रॉन्ग है, वह गलत है कि हमारी लिस्ट में सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं, क्योंकि हमने खुद ने एक ऐसा रियल नंबर क्रिएट कर लिया जो कि उस लिस्ट में मौजूद नहीं था। तो हमारी पुरानी अजम्पशन बेकार हो गई। तो यानी कि हम रियल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, वह अनकाउंटेबल इन्फिनिटी है। जैसा कि आप जानते हो कि रियल नंबर के सेट में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, और फिर हमने उन इनफाइनाइट नंबर को एक लिस्ट में अरेंज कर लिया, और फिर हमने खुद ने एक नया रियल नंबर बना दिया जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं था। यानी कि हमारी पुरानी कही हुई बात वह गलत साबित हुई कि हमारे लिस्ट में सारे के सारे रियल नंबर हैं। और ऐसे ही अगर हम हर बार एक नई लिस्ट को अरेंज करें तो हर बार हम एक नए रियल नंबर को खुद ही बना लेंगे। यानी कि ये ऐसी इन्फिनिटीज हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह आती हैं अनकाउंटेबल इन्फिनिटी की कैटेगरी में। यानी कि रियल नंबर का सेट अनकाउंटेबल इन्फिनिटी में आता है, और देखा जाए तो यह वाली जो इन्फिनिटीज होती हैं वह काफ़ी बड़ी इन्फिनिटीज होती हैं, क्योंकि जब भी आप रियल नंबर के सेट को अज्यूम करते हो तो हर बार आप उसमें एक नए रियल नंबर को ऐड करते जा रहे हो, एक नया रियल नंबर खोज रहे हो, यानी कि हर बार इन्फिनिटी का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी दूसरी टाइप की इन्फिनिटी। अब हमने दो टाइप की इन्फिनिटीज़ के बारे में जान लिया। हालांकि फिजिक्स में भी इन्फिनिटी होती है, और अगर फिजिक्स के कैलकुलेशन में कहीं इन्फिनिटी आती है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। फिलहाल यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उस पर बात हम अभी नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो फिजिक्स में भी इन्फिनिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं उसके बारे में भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल इन्फिनिटी कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसको एक वीडियो में कवर किया जाए, इसलिए अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम इसका दूसरा पार्ट भी जरूर बनाएंगे।
फिलहाल मुझे मालूम है कि जो वीडियो का एंड पार्ट था वह थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसको एक बार में समझना काफ़ी मुश्किल है, पर अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझो तो आपको यह अच्छे से समझ में आ सकता है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।